हेलो, आई एम मुकेश कुमारी। वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ गुरु केपीओ। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, अर्थात पाठ्यक्रम के मूल तत्व। शिक्षा की प्रक्रिया का संपादन शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक अपनी क्रियाओं का नियोजन कक्षा शिक्षण के लिए करता है। शिक्षण तथा अधिगम पाठ्यक्रम में गहन संबंध होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के चार मूल तत्व माने गए हैं। उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि तथा प्रेक्षणों का नियोजन उद्देश्य की दृष्टि से किया जाता है, जिसमें अधिगम परिस्थितियों के आधार पर इन्हें प्राप्त किया जाता है। सेकंड है पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु का क्षेत्र व्यापक होता है। पाठ्य वस्तु के द्वारा कई उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अधिगम परिस्थितियां पाठ्य वस्तु के क्षेत्र को सुनिश्चित करती हैं। तीसरा है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि तथा पाठ्य वस्तु में गहन संबंध होता है। शिक्षण विधियों के द्वारा अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जो कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करती हैं, जिससे पाठ्य वस्तु के क्षेत्र को सुनिश्चित किया जाता है। फोर्थ है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के आधार पर शिक्षण विधियों प्रविधियों तथा सहायक सामग्री के उपादेयता को आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का शिक्षा के मूल तत्वों से गहन संबंध होता है। थैंक यू। फॉर मोर डिटेल काइंडली विजिट आवर वेबसाइट www.gurukpo.com।